हेलो दोस्तों, आज मैं सिखा रही हूँ आपको बाजू की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये मेरे बाजू का कपड़ा बहुत कम है, जॉइंट वाला कपड़ा है, दोनों तरफ से ओपन है, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, तो इसमें जॉइंट ना दिखे इसके लिए मैं यहाँ पर बीच सेंटर में एक डिजाइन डालूंगी और उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो ये जो बाजू की जो लेंथ है वो 17 इंच है। तो ये मैंने 18 इंच लंबा कपड़ा लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा, आधा इंच ऊपर दबेगा आधा इंच नीचे दबेगा, और इसकी विड्थ है 9.5 इंच। अगर आपको इसकी मुड्डे की आर्म होल की चौड़ाई नापनी है, सूट से भी नाप सकते हो आप। इस तरीके से तरीका बता रही हूँ मैं, मुड्डे को लेना है इस तरीके से रख के इसकी आप विड्थ नाप सकते हो, उससे आपकी बाजू छोटी बड़ी नहीं होगी। मैं नाप के बता देती हूँ, ये 9.5 पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मोहरी है, इसमें 5 इंच तैयार है, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी 6.5 पर। ये यहाँ से मैंने 3 इंच पे नाप दिया है और यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल तिरछी शेप दूंगी मैं। बाजू इसी तरीके से काटती हूँ, गोलाई नहीं देती हूँ बाजू में, और बिल्कुल परफेक्ट बैठती है यहाँ से और यहाँ तक। बिल्कुल आसान तरीका है इसका, इसको आप दोनों साइड से कहीं से भी लगा सकते हैं, इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता है। अगर हम बाजू को गोलाई में काटते हैं और गहरी कटिंग देते हैं तो गहरी कटिंग वाला साइड हमें फ्रंट साइड में लगाना होता है। ये जो मैं कटिंग बता रही हूँ, इस बाजू को आप किसी भी साइड से काट सकते हो। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। ये 4 पार्ट में कटिंग हुई है इसकी, इसके चारों भाग अलग अलग हैं, इधर से भी इधर से भी। अब मुझे यहाँ पे इसके बीच में यहाँ डिजाइन बनाना है, यहाँ पे एक डिजाइन बनाना है। उसके लिए मैंने ये 2-2 इंच चौड़ी और जितनी इसकी लेंथ है इतनी लंबी मैंने पट्टियाँ ली हैं, 4 बुकरम की। इन पट्टियों पे निशान लगाना होता है इस तरीके से, बिल्कुल जितना इंची टेप होता है उसकी चौड़ाई में आप निशान लगा दो इसमें। ये 18 इंच लंबी पट्टी है तो मैं इसका 3-3 इंच में डिवाइड करूंगी, 3 इंच, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, और ये हो गया 18। दूसरा निशान हम देंगे इस साइड से इसका 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पे निशान देने के बाद दोबारा 3 इंच पे निशान देना है, 3 6 9 12 और 15। इन निशानों को देने के बाद इस निशान से इस निशान को मिला देना है, आप छोटे बड़े भी कर सकते हो। ये एक परफेक्ट मार्जिन लिया है मैंने, 18 इंच का है तो मैंने 3-3 इंचों में डिवाइड कर दिया इसको। ये निशान लगाने के बाद बुकरम को मैंने इसकी कटिंग कर दी है, कटिंग इस टाइप से की है। ये देखो, पहले मैंने ऐसे निशान दिया, फिर इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करके मैंने 4 पट्टियाँ
काट लिए हैं जो मैं इस साइड में लगाऊंगी। इन पट्टियों पर कपड़ा भी अटैच करना है, तो कपड़ा इस तरीके से अटैच करना है। ये देखो, कपड़े की पट्टी लेनी है और ये बुकरम की स्ट्रिप रखनी है। यहाँ से बुकरम का जो कॉर्नर है, हिल वाला भाग है, उससे सिर्फ एक पैर की दूरी पे मार्जिन रखना है, और जो नीचे का भाग है इसको पूरा पूरा ऐसे फोल्ड करके सिलाई मार देनी है, और हिल वाली साइड में भी सिलाई मार के बुकरम को सेट कर लेना है। अब इस बुकरम को क्या करेंगे, हमें चार पट्टियाँ बनाई हैं हमने, इन पट्टियों को हमें स्लीव्स पर इस जगह पर रखना है और इस तरीके से सिलाई मारनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के टच में लगानी है, बिल्कुल ऐसे होते हुए, बुकरम के टच में होते हुए, यूँ यहाँ से बुकरम के टच में होते हुए पूरी सिलाई लगानी है। अब मैं इस पर सिलाई लगा के कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। अब इस स्ट्रिप को बाजू के ऊपर रख के इस तरीके से हमें हिल शेप में सिलाई लगानी है। बिल्कुल बुकरम के टच में सिलाई लगानी है। कट लगाने के बाद इनको सीधा करना है। ये शेप आ जाएगी, इसी तरीके से दूसरे साइड का आ जाएगा, और फिर इन कॉर्नर पे मोती लगा दिए जाएंगे। बाजू रेडी है। इस तरीके से कोना मिलाना है हमें, और ये जो कॉर्नर मिल रहे हैं, इन कॉर्नर पे कोई भी बीड्स लगा दो, मोती लगा दो, कोई भी डेकोरेशन की चीज़ लगा सकते हो, नग चिपका सकते हो। ये मैं कॉर्नर से कॉर्नर तक मोती लगा रही हूँ, इस तरीके से मोतियों का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है इसमें। चार तह में मैंने धागा ले लिया है जिससे कि मोती मजबूती से लगे, टूटे ना। और अब मैं पूरी स्लीव्स पे मोती लगा के रेडी करके दिखाऊंगी। अब मैंने इस पर बीच में सब पर बीड्स लगा दिए, देखो कितना अच्छा लुक आया है। अब ये जो कॉर्नर है इसको बंद करने के लिए, और ये कॉर्नर है इसको बंद करने के लिए मैं पट्टी लगाऊंगी मैं उल्टी साइड से, इस तरीके से। ये मैंने एक छोटी सी पट्टी बनाई है, इसे यहाँ पे जोड़ दूंगी जिससे कि बाजू लगाने में आसानी रहेगी। ये मैंने उल्टी साइड से पट्टी लगाई है, ये जो उल्टी साइड से पट्टी लगाई है इसको मैं फ्रंट साइड में फोल्ड कर दूंगी।
देखिए कितना अच्छा बाजू का डिजाइन बना है, और जो हमारा जॉइंट था वो भी अब नहीं पता चलेगा कि बीच में जॉइंट आ रहा था। टुकड़ों में मैंने ये बाजू डिजाइनर बना दिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।